ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंभ राशि वालों, हो जाओ तैयार, क्योंकि अब आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से 26, 27, 28 और 29 जनवरी के इन चार दिनों में मिलने वाली है बड़ी तूफानी खबर। जय दोस्तों, आपको बता दें, भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से 26 जनवरी से 29 जनवरी यानी कि इन चार दिनों में बन रहे गुरु पुष्प अमृत योग में बड़ा परिवर्तन होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति इन चार दिनों में आपके लिए राजयोग का निर्माण कर रही है। जी हां दोस्तों, इन चार दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में साबित होगी। जी दोस्तों, भगवान श्री विष्णु जी का आशीर्वाद इन चार दिनों में आपके ऊपर बना रहने वाला है, जिससे कि आपके समस्त कार्य इन चार दिनों में पूर्ण होने वाले हैं। जय दोस्तों, भगवान श्री विष्णु जी के आशीर्वाद से इन चार दिनों का समय आपके लिए अत्यंत शुभ और बहुत ही भाग्यशाली समय साबित होगा। आपको बता दें, भगवान श्री विष्णु जी के आशीर्वाद से इन चार दिनों में आपको अनेकों प्रकार की बड़ी बड़ी खुशखबरियां, बड़े बड़े लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। जय दोस्तों, वे बड़ी खुशखबरियां कौन कौन सी हैं जो कि आपको भगवान श्री विष्णु जी के आशीर्वाद से इन चार दिनों में प्राप्त होने वाली हैं। इस वीडियो में आपको उन्हीं खुशखबरियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। जय दोस्तों, इस वीडियो में आपके 26, 27, 28 और 29 जनवरी के इन चार दिनों के संपूर्ण और बिल्कुल सटीक राशि फल के बारे में बताएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना काटे, बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो साबित होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए है रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो का शुरू करें, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान श्री विष्णु जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें, जिससे भगवान श्री विष्णु जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसा रहेगा भगवान श्री विष्णु जी का आशीर्वाद से आपके लिए 26, 27, 28 और 29 जनवरी के इन चार दिनों का यह महत्वपूर्ण समय। दोस्तों, इस समय आप भावनात्मक रूप से सशक्त रहेंगे, ज्ञानवर्धक तथा रोचक कार्यों में समय व्यतीत होगा, परिवार के साथ धार्मिक स्थल पर भी जाने का प्रोग्राम बनेगा, आप अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक रूप से परिवर्तन भी महसूस करेंगे, जमीन जायदाद और निवेश जैसी गतिविधियों में व्यस्तता बनी रहेगी, उत्तम समाचार की भी प्राप्ति होगी, आप प्रत्येक कार्य में रुचि लेकर अपनी क्षमताओं के अनुसार काम को अंजाम देंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर यह समय आपके लिए बहुत ही उत्तम है। दोस्तों, इस समय आप अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे, आपका अपने व्यक्तित्व को निखारने के प्रति विशेष ध्यान रहेगा, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने के बाद लाभदायक योजनाएं भी बनेंगी, ससुराल पक्ष से संबंध और भी अधिक मजबूत होंगे। दोस्तों, यह समय किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलने से उत्साह और भी अधिक बढ़ेगा, जिससे आप अपनी थकान भी भूल जाएंगे, किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की उत्तम संभावनाएं हैं। जा दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा, यह समय भाग्य आपके पक्ष में है, क्योंकि लाभ के नए मार्ग आपके लिए बनेंगे, लंबे समय से चली आ रही कोई चिंता समाप्त होगी, जिससे मानसिक शांति रहेगी, आर्थिक मामलों में भी ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय भी इस समय सफल होंगे। दोस्तों, साथ ही साथ यह समय कोई सपना साकार होने से मानसिक रूप से सुकून रहेगा, समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका भरपूर सहयोग करें। अगर आप कोई नया मकान या प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो यह समय निर्णय बहुत ही उचित रहेगा। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ यह समय अचानक से कोई मुसीबत व समस्या खड़ी हो सकती है, परंतु समझबूझ और सावधानी से आप इससे उभर भी जाएंगे, नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ संपर्क में रहना आपके लिए मान हानि का कारण बन सकता है, सावधान रहें। दोस्तों, यह समय सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी मन में कुछ नकारात्मक विचार आ सकते हैं, कुछ समय प्रकृति के साथ वे मेडिटेशन में समय व्यतीत करना आपको सुकून देगा, युवा वर्ग को अपने करियर से संबंधित कार्य में अधिक
ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ धन संबंधित मामलों में भी किसी तरह का भी कोई समझौता आप ना करें। दोस्तों यह समय वाहन या घर की मरम्मत संबंधित कार्यों में अत्यधिक व्यय होने से बजट भी आपका बिगड़ सकता है। अपने रिश्तेदारों के साथ संबंध बेहतर बनाकर रखने में आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। दोस्तों यह समय कैरियर और व्यक्तिगत कार्यों में अपने अहम को आड़े ना आने दें, अन्यथा बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। बहुत ही जल्दबाजी व उत्तेजना की वजह से किसी के साथ संबंधों में भी खटास आ सकती है, इसलिए आप अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें। दोस्तों साथ ही साथ इस समय आप अपने विरोधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। छोटी सी भी बात पर ही किसी से कहा सुनी व बोल चाल हो सकती है, इसलिए अपने स्वभाव को संयमित रखना आवश्यक है। बच्चों की परेशानियों के निवारण के लिए कुछ समय उनके साथ भी व्यतीत करना जरूरी है, परंतु काम की अधिकता रहेगी, मेहनत के अपेक्षा परिणाम कम प्राप्त होंगे। दोस्तों यह समय विद्यार्थी सोचने समझने में बहुत अधिक समय लगाने से हाथ में आई कोई उपलब्धि भी खो सकते हैं, थोड़ा सावधान रहें। दोस्तों बात करें लव लाइफ के नजरिए से तो यह समय पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा, परिवार के साथ मनोरंजन तथा आमोद प्रमोद में भी समय व्यतीत होगा, पारिवारिक माहौल सौंदर्यपूर्ण रहेगा, प्रेम के मामलों में आप भाग्यशाली रहेंगे, परिवार के साथ सुख सुविधा संबंधी चीजों की शॉपिंग में भी समय व्यतीत होगा, पारिवारिक माहौल मधुर रहेगा, मेहमान नवाजी और मौज मस्ती में भी यह समय व्यतीत होगा। दोस्तों साथ ही साथ यह समय जीवन साथी के साथ कुछ तकरार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, परंतु सहज तरीके से आपस में बैठकर मामला सुलझाने से संबंध पूर्णतः मजबूत हो सकते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर पति पत्नी के आपसी संबंध मधुर रहेंगे, घर का माहौल भी अनुशासित तथा मर्यादित रहेगा। दोस्तों बात करें करियर व्यवसाय की तो यह समय कार्य क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देने की आपको आवश्यकता है, कर्मचारियों की वजह से कुछ मानसिक तनाव रहेगा, नौकरी में आपसी मतभेद व गलत फहमियां इस समय उत्पन्न हो सकती हैं, परंतु यह भी निश्चित है कि आप अपने बलबूते पर स्थितियों को संभाल भी लेंगे, जिससे आपको बहुत ही खुशी महसूस होगी। दोस्तों साथ ही साथ यह समय व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, कोई महत्वपूर्ण डील भी इस समय लग सकती है, मार्केटिंग संबंधी कार्यों में नुकसान होने की भी संभावना है, बेहतर होगा कि इन सब को स्थगित ही रखें। नौकरी पेशा लोगों की अधिकारी वर्ग से मित्रता लाभप्रद रहेगी। दोस्तों यह समय कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का स्थान या कार्य प्रणाली में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, आलस को अपने ऊपर आप हावी होने ना दें। ऑफिस तथा व्यवसायिक दोनों जगह टीम वर्क के साथ काम करने से इस समय बेहतर सफलता आपको प्राप्त होगी। दोस्तों साथ ही साथ किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात आपके व्यवसाय में सहायक साबित होगी, अगर किसी नए काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो यह समय आपके लिए शुभ है, परंतु अभी आय सामान्य ही रहेगी, वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे, व्यवसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी, आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित फल भी प्राप्त होंगे, सरकारी सेवारत व्यक्तियों का भी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर दबदबा बना रहेगा। दोस्तों यह समय कारोबारी अपने व्यवसाय पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित रखें, उनके लिए इस समय लाभदायक ग्रह की स्थिति बनी हुई है, मनोरंजन तथा सौंदर्य प्रसादन संबंधित व्यवसाय विशेष रूप से तरक्की में रहेंगे, नौकरी में आपको कोई महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति होगी जिससे आपको काफी खुशी का अनुभव होगा। दोस्तों बात करें आपके स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, कफ प्रकृति के लोग बदलते मौसम से अपने आप का बचाव कर रखें, मौसमी बीमारियां जैसे खांसी जुखाम आदि परेशान कर सकती हैं, आयुर्वेदिक चीजों का
अधिक से अधिक सेवन करें दोस्तों। साथ ही साथ पेट से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है, अपने खान पान को संयमित रखें, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।